गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस न्यू सिलेबस फॉर योर क्लास इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वी ऑल नो दैट ड्यू टू कोरोना सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन डिसीजन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सिलेबस फॉर योर क्लास। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू सिलेबस व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू। नया सिलेबस इंग्लिश के लिए आ गया, सारे विषय के लिए आ गया है, ऑल सब्जेक्ट्स। तो इंग्लिश के लिए मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, इसकी जानकारी ज़रूरी है। तो इन दिस न्यू सिलेबस वी विल सी दैट सम चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है। बस वो अस्थायी तौर पर नहीं हटाया गया है, दैट चैप्टर हैज नॉट बीन रिमूव्ड परमानेंटली, ओनली फॉर सम टाइम मीन्स ओनली अप टू कोरोना, मीन्स दिस ईयर, इस बार जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो चैप्टर हटाया गया उससे कोई भी क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आपको नहीं आएगा। सो वी विल सी दैट generally all things are same, only I will give you the name of those chapters which have been removed from this new syllabus. So we will see here, in reading section first we will discuss this reading section. रीडिंग सेक्शन विल बी ऑफ 20 मार्क्स, ये पहले भी था 20 मार्क्स का ही। इन दिस सिलेबस ऑल्सो दिस इज ऑफ 20 मार्क्स, नो चेंज एट ऑल, दिस सेक्शन इज द सेम। आफ्टर दैट लिटरेचर टेक्स्ट बुक वी विल सी, ग्रामर सेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर सेक्शन। तो इन ग्रामर सेक्शन we will see, we have to read tense padhenge, modals, subject verb concurred, reported speech, commands and requests, statements, questions, determiners. So now we will see the list of deleted chapters. ग्रामर में आपको पहले जो पढ़ना है उसमें से कुछ हटाया गया, वो हटाए हुए चैप्टर्स हैं। यूज ऑफ पैसिव वॉइस, ये आपको इस बार इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लॉजेज में नाउन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम रिलेटिव, ये नहीं आएगा। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन इस बार नहीं आएंगे, क्लियर। तो ये आपको इस बार इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं ग्रामर में, ये आपको मैंने बताया according to the new syllabus prescribed by central government। writing में आपको थोड़ा सा अंतर है, अंतर यह है कि writing a descriptive paragraph, ये paragraph इस बार आएगा आपको, और ये diary entry आएगा, जो पहले letter आता था। आपको याद होगा पहले वाले syllabus में letter था, इस बार जो रिवाइज्ड वाले सिलेबस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है उसमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होंगे। कोई टॉपिक दिया रहेगा उस पर पैराग्राफ लिखना होता है, अपने 7 और 6 में 8 में इसकी तैयारी की है। डायरी लिखने का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, अब जो 7 में 8 में हमने किया है। आफ्टर दैट राइटिंग स्टोरी आपको लिखने के लिए आएगा ही, ये 5 मार्क्स का होगा और ये भी 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। 5 मार्क्स टोटल 10 मार्क्स राइटिंग सेक्शन। सो इसमें बदला क्या, व्हाट इज डिलेटेड, तो डिलेटेड टॉपिक्स आर लेटर ऑन ए सिचुएशन। ये ओल्ड सिलेबस में ये आता था लेटर लिखना, और ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए प्लेस इवेंट, ऑन ए प्लेस इवेंट, ये डिस्क्रिप्टिव आता था प्लेस इवेंट पर। तो ये तो इस बार भी है ही, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है,
तो इसका यहाँ देने का क्या मतलब है, तो ये सीधे आएगा, इसमें कोई टॉपिक नहीं, इसमें रहेगा आपको ये विजुअल और वर्बल क्लूज रहेंगे डायरी एंट्री के लिए, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होंगे ही, विजुअल और वर्बल उसमें क्यू रहेगा, विजुअल या वर्बल, तो कुछ पिक्चर रहेगा दिया हुआ या कुछ हिंट रहेंगे, उसके आधार पर आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये प्लेस और इवेंट नहीं रहेगा इसमें लिख रहा है, ये विजुअल रहेगा और वर्बल रहेगा, विजुअल या वर्बल, ओके। तो ये आपका हुआ, देन वी विल कम सम इम्पॉर्टेंट चेंजेज आर हियर इन बुक्स, लिटरेचर बुक, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9, नाउ दीज चैप्टर्स आर डिलीटेड फ्रॉम बिहाइव, बिहाइव बुक द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये अब नहीं पढ़ना है इस बार के एग्जाम के लिए, दिस इज ओनली फॉर दिस एग्जाम, दिस ईयर्स एग्जाम, इस बार जो बोर्ड का एग्जाम होगा आपका, उसमें जो फाइनल एग्जाम होगा असेसमेंट, उसमें इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यानी इस बार आपको ये नहीं पढ़ना है। द डक एंड द कंगेरू, काठमांडू, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। एंड इन सप्लीमेंट्री टीचर बुक स्टोरन द स्टोरी टेलर, इसको हटाया है, एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये दो चैप्टर हटाए गए हैं। आफ्टर दैट ऑल आर सेम, देयर इज नो चेंज एट ऑल, अब टीचर को क्या करना है इस पर लिखा हुआ है। सो माई डियर फ्रेंड्स, दिस सिलेबस इज वेरी इजी फॉर यू, जो हटाया गया है, ऑल दो चैप्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश, आपको सीखना है इंग्लिश तो सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, बट ओनली दीज चैप्टर्स हैव बीन रिमूव्ड टू मेक योर सिलेबस लाइट, टू रिमूव द बर्डन, चूँकि कोरोना में पढ़ाई नहीं हुई तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का डिसीजन ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा सिलेबस को लाइट कर दिया जाए, कुछ चैप्टर्स हटा दिए जाएँ, तो इस बार के एग्ज़ाम के लिए ये नया सिलेबस आपको बताया गया, आप पढ़ते रहें और मेरा वीडियो वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव अ नाइस डे, दिस इज योर वीडियो फॉर द सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 9th NCERT बुक।